हेलो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं छतरपुर और फिर आगे की यात्रा आपको बता रही हूँ। ये मेरे पति देव इस तरफ बैठे हैं और गाड़ी चला रहे हैं मेरे पति देव के दोस्त। देखिए, हम लोग गए तो थे शादी में छतरपुर, पर हम लोग जल्दी पहुँच गए थे इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए बागेश्वर। तो आज का ब्लॉग आपको बागेश्वर धाम की यात्रा दिखाने के लिए बनाया गया है और मैं खुद भी पहली बार बागेश्वर गई थी तो सोचा आपको भी दर्शन करा देते हैं बालाजी सरकार के। बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी थी। ये देखिए जंगल कैसे बिल्कुल सूखे पेड़ लगे हुए हैं और कार में एसी चलने के बावजूद भी बहुत गर्मी, अजीब सा लग रहा था। हम तीनों ही गए थे, मेरी सासू माँ और बेटा नहीं गए थे शादी में, पर हम लोग अभी छतरपुर जा रहे थे। तो देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। हम लोगों की यात्रा बहुत ही अच्छी रही और भगवान बालाजी सरकार को हम लोगों को बुलाना था इसीलिए उन्होंने हमको बुला लिया। जब सागर आए थे हम बागेश्वर, तब हमने कहा था कि अब हमको हनुमान जी के दर्शन भी करने हैं। तो बस यही हुआ कि हम लोग बागेश्वर भी आखिर पहुँच ही गए, क्योंकि हम लोग 12 बजे अपने सागर से निकले और 3 बजे छतरपुर पहुँच गए थे। तो वहाँ पर रिश्तेदार आए ही नहीं थे तो हम लोग सोचे बागेश्वर हो आए, हस्बैंड के दोस्त हो आए थे तो उनको रास्ता सब पता था। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप बागेश्वर जाना चाहते हैं तो छतरपुर ज़िला है जो हमारे मध्य प्रदेश में, वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी पर गड़ा गाँव है। देखिए हम लोग छतरपुर आ गए हैं, 20-25 किलोमीटर दूर पर गड़ा गाँव है, वहाँ पर है बागेश्वर। ये देखिए पूरा छतरपुर ज़िला आपको मैं बाय रोड जितना भी समझ में आ रहा है उतना मैं दिखा रही हूँ। ये मेरे पतिदेव के बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि जिनसे मैं बहुत अच्छे से घुली मिली हूँ। तो हम लोग राजनीति और हर विषय पर थोड़ी बहुत बातें और चर्चा करते हुए जा रहे थे और ये छतरपुर में हम लोग चले जा रहे थे। कार इतनी तेज नहीं चल रही थी दोस्तों, वो तो मैंने आपका समय बचाने के लिए वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। हम लोग लगभग 3 घंटे में छतरपुर आ गए हैं। अब जाना है जहाँ पर शादी होनी है, क्योंकि वो लोग तो शायद अभी आए नहीं हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि मैंने कहा अगर जल्दी आ गए हैं तो हम लोग गड़ा चलते हैं, कहाँ, जहाँ के बागेश्वर सरकार हैं। यानी मैंने छतरपुर से आपको तो पता ही है 20-22 किलोमीटर दूर है गड़ा, जहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार हैं। तो मैंने कहा उन बालाजी के दर्शन कर लेते हैं, जल्दी ही आ गए हैं तो बालाजी की कृपा होगी, आज शनिवार है तो आज दर्शन कर लेते हैं। पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी काफ़ी दिनों से हमारे मध्य प्रदेश में हमारे शहर में बहुत बारिश हो रही थी। गड़ा कर पूरा जो रास्ते का सफ़र है मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पर मेरे पतिदेव मेरे को एक कुल्फ़ी ले आए हैं। मैं पूछ रही थी किस कंपनी की है, क्योंकि मैं कंपनी पता करके ही खाती हूँ तो पता तो रहे कौन सी कंपनी की थी, अच्छी थी तो याद रखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। देखिए मेरे क्या हाल हो रहा है, इतनी गर्म था और बाहर गर्मी अंदर एकदम ठंडा बर्फ, तो मेरे हाल बेहाल हो रहे थे। जैसे कोई खट्टी चीज़ खाने के बाद ऐसे दांत होते हैं ना, वैसे मेरे को ठंडा खाने के बाद हो रहा था, जैसे मैंने कुछ खट्टा खा लिया और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार सीज़न में शायद पहली बार खाई थी शायद ये कुल्फ़ी। देखिए अब हम लोग छतरपुर से निकल गए हैं, ये 4 लेन है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग सागर से छतरपुर आए और छतरपुर से गड़ा है लगभग 25 किलोमीटर, 25 से 30 होगा, 25 से कम नहीं है। और ये है पन्ना रोड पर। तो अगर आपको बागेश्वर जाना है तो आप पहले छतरपुर आए, छतरपुर से आप पन्ना रोड पर 25 किलोमीटर चलेंगे तो आपको गड़ा गांव मिल जाएगा, जहां पर हमें बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन हो जाएंगे। तो आपको जाना है तो आप इस तरह से बाय रोड भी जा सकते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ बाय रोड ही है। तो आप छतरपुर से पन्ना रोड पर जाएंगे तो गड़ा गांव बागेश्वर धाम सरकार पहुँच जाएंगे। और ये देखिए हम लोग गड़ा गांव के लिए यहाँ पर एंटर हो रहे थे।
ये देखिए उनके नाम के बैनर, उनकी तस्वीरें, ये देखिए सब जगह लगे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर बालाजी के नाम से। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हम लोग इतने स्पीड में नहीं थे। आपका समय बचाने के लिए मैं अपने वीडियो की स्पीड बढ़ा कर रखी हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, ये पहाड़, ये चारों तरफ के पेड़। और हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इस गांव की कोई भी वो नहीं थी, कहना चाहिए इस गांव की प्रसिद्धि नहीं थी, पर जब से हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की ने अपनी तपस्या या अपनी सिद्धि के द्वारा जो पूजा पाठ की और उनके नाम से इस गांव की प्रसिद्धि हुई है, और लोगों का जो घर है वो वाकई में कहना चाहिए बागेश्वर धाम सरकार की वजह से चल रहा है। मैंने वहाँ पर देखा, देखिए लोगों ने कितनी दुकानें, हर जगह उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, उनके नाम और उनके चित्र के साथ ही लोगों ने अपनी दुकानें खोल के रखी हैं। और कई लोगों ने तो अपने घर में कमरे किराए से देने के लिए भी रखा है, मतलब पूरा गांव उनके नाम से उनके द्वारा ही चल रहा है, कहना चाहिए। मतलब उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है कि लोगों ने उसी से अपना काम शुरू कर दिया है और वो रोजी रोटी उन्हीं के नाम से कमा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी दुकानें हैं, और ये लोग, एक भी दुकान या एक भी होटल ऐसी नहीं थी जिस पर कि उनका चित्र ना लगा हो, उनकी फ़ोटो ना लगी हो। तो देखिए ये मैं दिखा रही हूँ आपको, हम लोग पार्किंग की जगह ढूंढ रहे थे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हम लोग आखिर उस जगह पहुँच गए जहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार ने जन्म लिया। बागेश्वर बालाजी के आज दर्शन हो रहे थे, शनिवार का दिन था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हम लोग चारों तरफ देख रहे थे कि कहाँ पर पार्किंग होनी है, हस्बैंड और उनके दोस्त दोनों बात भी कर रहे थे। वो पहले आए थे पर वो दूसरे जगह से एंटर हुए थे, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए ये चारों तरफ तिवारी जी होम स्टे, मतलब होम स्टे भी रखे हुए हैं, लोगों ने अपने घर में स्टे करके रखा है। आप प्लीज़ मेरी गाड़ी के कांच पर जो गंदगी है ना उसको देखकर कुछ कहें ना, क्योंकि बारिश की वजह से ना गंदा हो गया था कांच, और हम लोग बहुत बिजी थे तो सीधे निकल आए, बस सामने का फ्रंट का कांच साफ किया। तो देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि पूरे छोटे से गांव में उनके नाम से ही लोग अपना धंधा चला रहे हैं। अपना धंधा मतलब बिजनेस कहना चाहिए, कोई खाना बना के बेच रहा है, कोई घर में रखा है। देखिए ये एंट्री हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ था प्राचीन तीर्थ क्षेत्र बागेश्वर धाम सिद्धपीठ। और अभी बताया जा रहा था जब हम लोग मंदिर पहुँचे के वो अभी बॉम्बे गए हुए थे, जिस समय हम लोग गए तब वो बॉम्बे में थे। और वो कहते हैं कि जब वो जाते हैं तो भीड़ अपने साथ ले जाते हैं, और आते हैं तो भीड़ उनके पीछे पीछे आ जाती है। हम लोग लगातार पूरी में ढूंढ रहे थे कि आखिर कहाँ पर पार्किंग की जाए। तो कुछ जगह के भाग्य उधर पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों से बदल जाते हैं, और यहाँ का भाग्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बदल दिया। दोस्तों 4:30 बज रहे हैं शाम को, हम लोग गढ़ा आ गए हैं, यानी कि बागेश्वर धाम आ गए हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने बागेश्वर जी के दर्शन किए थे अपने शहर में, और बस मन में ऐसे इच्छा की थी कि जाएंगे, कहाँ से अचानक हम लोग शादी में आए और यहाँ आ गए। आप अगर इच्छा करते हैं तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं। अब हम लोग पैदल पैदल मंदिर के लिए जा रहे थे। ये मेरे पति देव पिंक शर्ट में हैं, और ब्लैक शर्ट में मेरे पति के दोस्त हैं। ये देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की फ़ोटो लगी हुई है, अच्छी खासी भीड़ है। बताते हैं यहाँ पर 12 महीने भीड़ रहती है, पर ईश्वर की कृपा से देखिए हम लोग पहुँच ही गए आज यहाँ। शनिवार का दिन है, भीड़ अच्छी खासी है। इनके दोस्त ने बताया कि भाभी हम लोगों को एक
नारियल लेना है जो कि लाल कपड़े में बंधा हुआ मिलता है, वो लेकर हम लोग जा रहे हैं। तो मतलब हम लोगों ने कुछ मन्नत तो नहीं मांगी थी, पर ईश्वर के पास यहाँ पर देखिए नारियल लगे हुए हैं तो ले जाते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने भी ले लिया और अपनी वहीं पर चप्पल वगैरह उतार के हम लोग पैदल जा रहे हैं। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोग ज़मीन में बैठे हुए हैं चारों तरफ, कहीं सो रहे हैं। देखिए आप इतनी गर्मी में भी लोग सो रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख लीजिए ये निःशुल्क नेत्र चिकित्सालय भी यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, आप देख सकते हैं आस्था का और श्रद्धा का आपकी धूप गर्मी या मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन चीज़ों पर, ये देख सकते हैं। हम लोग सीढ़ियों से चढ़े जा रहे थे, ज़्यादा सीढ़ियां नहीं हैं पर आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। शनिवार के दिन होते हुए पहली बार हम लोग यहाँ पर ना फ़ोटो या वीडियो लेने को मना कर रहे थे, इसलिए आप भी थोड़े से दर्शन हो सकते हैं तो कर लीजिए। पंडित जी सामने खड़े हुए थे, मैं दर्शन करके फिर से फ़ोटो लेने गई थी पर उन्होंने मना कर दिया। ये देखिए हजारों की संख्या में लोग बैठ सो रहे थे, रुके हुए हैं यहाँ पर, लोग रुद्राक्ष बेच रहे थे। कितने लोग पीछे दिख रहे हैं आपको रुके हुए हैं, देखिए ये लिखा है बागेश्वराय, है ना। यहाँ पर ये यज्ञशाला है, यहाँ पर भी लोगों ने अपने मन्नत के नारियल बांधे हुए हैं। ये दिव्य दरबार की जानकारी दी गई है और यहीं पर हम लोग अब निकल रहे थे। तो देखिए ये बहुत सौभाग्य की बात थी कि आज शनिवार के बावजूद हम लोगों को बहुत अच्छे दर्शन हुए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी दुकानदार थे सभी कह रहे थे आपका भाग्य बड़ा अच्छा है कि आप लोगों को इतनी आसानी से दर्शन हो गए, नहीं तो शनिवार के दिन तो रात के 4 बजे यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भीड़ लग जाती है दर्शन के लिए और गेट के बाहर से भीड़ शुरू हो जाती है। पता नहीं आज कैसा ईश्वर की कृपा थी कि हम लोगों को लाइन भी लंबी नहीं मिली, बहुत ही कम लोग आसानी से, जैसे हम लोग लोकल के मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोगों को दर्शन हो गए। अब लोग हम दर्शन कर वापस छतरपुर के लिए निकल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी सरकार का, आप पूरा ब्लॉग देखिए और ज़रूर जाइए बागेश्वर।